प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज़ इन इंडिया में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। सेकुलरिज्म में हम चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस कर रहे थे, जिसका एक भाग हमने कल कंप्लीट किया, आज आगे बढ़ते हैं और आज इसे हम फाइनलाइज करेंगे। देखिए, अगला एलिमेंट जो एज अ चैलेंज है सोशल प्रॉब्लम एंड इश्यूज़ में सेकुलरिज्म को, चैलेंजेस टू द सेकुलरिज्म, दैट इज कास्टिज्म। देखिए, इंडियन सोसाइटी वर्ण व्यवस्था के अराउंड ही ऑर्गेनाइज हुई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र समाज में लोगों का वर्गीकरण करते हैं, कैटेगराइजेशन करते हैं, तो ग्रुप्स फॉर्म होते हैं। ब्राह्मणा का एक ग्रुप है, वैश्यों का, क्षत्रियों का, शूद्रों का, और फिर इनके बाहर जो आउटकास्ट हैं। अब हो ये जाता है कि किसी भी कारण से ये व्यवस्था लागू की जाती होगी, पर नेट रिज़ल्ट एक ये निकलता है कि सोसाइटी में डिवीज़न क्रिएट होती, दिस डिवीज़न, और इस डिवीज़न का एक बेस बनता है वो डिस्क्रिमिनेशन होता है। ये डिस्क्रिमिनेटरी डिवीज़न होती है, भेदभावपूर्ण भेद होता है ये लोगों में, जिसकी वजह से डिस्क्रिमिनेटरी इसलिए है कि जो कोई ग्रुप है, जैसे कि ग्रुप वन, वो प्रिविलेज्ड हो जाता है, और जो दूसरा ग्रुप है, जैसे कि सपोज करिए ग्रुप फोर, वो डिप्राइव्ड हो जाता है, डिसएडवांटेज पे आ जाता है। तो ऐसे में सोसाइटी में बहुत सारे लोग डिप्राइव्ड ग्रुप की फॉर्म में रहते हैं, जो कि एक जनरल बैकवर्ड क्लास बन जाते हैं। और ऐसे में फिर इस बैकवर्डनेस का कारण, इस डिप्रीवेशन का कारण और इस प्रिविलेज का कारण बनता है सोसाइटी का वो नेचर, वो स्वरूप, जिस नेचर के भी पीछे हैं द आइडियल्स ऑफ द सोसाइटी, द कोड ऑफ द सोसाइटी, जो इन आइडियल्स पर बेस्ड है, और ये कोड या आइडियल्स अल्टीमेटली आ रहे होते हैं रिलीजन से। रिलीजन ऐसे समाज का फिर आधार बनता है जिस समाज में लोगों के बीच में भेद होता है। रिलीजन को आधार बनाया जाता है। रिलीजन कभी भी भेद पैदा नहीं करता, अगर उसके धर्म के तत्वों को हम देखें, उसके राइटियसनेस को, उसके मोरालिटी के एलिमेंट को देखें, रिलीजन भेद का आधार कभी नहीं बन सकता। किसी भी एक समय में कोई भी एक समुदाय और कोई भी एक संगठन, कोई भी एक कम्युनिटी या कोई भी सेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो राजा ही हो सकता है, चाहे वो लॉ मेकर्स हो सकते हैं, कोई भी, इस समय रिलीजन को किस मैनर में यूज़ कर रहा है, इससे ये चीज़ें पैदा हो सकती हैं कि कोई डिप्राइव्ड हो गया और कोई प्रिविलेज हो गया। लेकिन कोर में जाके देखें, मूल में, तो रिलीजन डिप्रीवेशन को प्रमोट नहीं करते, रिलीजन ऐसे कोई प्रिविलेज ग्रुप को पैदा नहीं करते। पर हर समय में समाज के कुछ प्रोमिनेंट सेक्शंस, ग्रुप्स होते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हो जाती हैं, जो सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करने के नाम पर, प्रोग्रेस के नाम पर, रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के नाम पर, किसी भी कारण से रिलीजन में दिए प्रोविजंस को उस मैनर में इंटरप्रेट करते हैं और यूटिलाइज करते हैं कि इस तरह की डिविजन्स क्रिएट होती हैं, जिनसे डिप्रीवेशंस का और प्रिविलेजेस का जन्म होता है और सोसाइटी में डिविजन्स और बैकवर्डनेस आ जाती है। लेकिन अब जो बैकवर्ड हैं, वो जो कमज़ोर हो गए हैं, वो तो सीधे सीधे रूप में इस सोसाइटी को ही इसका जिम्मेदार मान रहे हैं, इनकी बैकवर्डनेस का, और ऐसे में वो सीधे सीधे सोसाइटी के वाया रिलीजन को ही जिम्मेदार मान रहे हैं उनकी इस परिस्थिति का। तो ऐसे में कोई भी और रिलीजन जब आते हैं, रिलीजन 1, 2, 3, वो काफ़ी हद तक फॉलोअर्स गेन करते हैं इस बैकवर्ड क्लास से अपने, वो अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि सोसाइटी पे इस रिलीजन 1- जो है, इस रिलीजन का रंग उतरे और हमारे रिलीजन का रंग चढ़े, सोसाइटी हमारे अकॉर्डिंग बिहेव करे, तो हम प्रोमिनेंट हो जाएं, हमारे रिचुअल्स प्रोमिनेंट हो जाएं, हमारी पोजीशन स्ट्रेंथेंड हो जाए, हमारे फॉलोअर स्ट्रांग हो जाए। लेकिन ऐसा हो, इसके लिए एक प्री कंडीशन है, सिर्फ चुनावों में, आज इलेक्शंस हैं इसलिए आपको लोग चाहिए एज अ वोट बैंक, ऐसा नहीं है। हमेशा आपको अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए, अपने रीति रिवाज और अपनी मान्यताओं की पालना कराने के लिए संख्या बल की ज़रूरत रहती थी। तो फिर ये चाहेंगे कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स हों, तो जब फॉलोअर्स मिलेंगे तो वो वही मिलेंगे जो प्रिविलेज्ड हैं, वो तो इस रिलीजन को छोड़ के इधर जाएंगे नहीं,
सोचने वाली बात है, क्योंकि उन कम्युनिटीज़ को तो बेनिफिट मिल रहे हैं, तो जो डिप्राइव्ड हैं वो ज़रूर जा सकते हैं, जो डिप्राइव्ड हैं वो ज़रूर जा सकते हैं। ऐसे में ये डिप्राइव्ड लोग मान लीजिए इन रिलीजन्स में चले गए, अब इनके साथ लंबे समय तक डिस्क्रिमिनेशन हुई भी होती है, ये प्रेजेंटली भी एजुकेशन में, यानी कि लिटरेसी, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और सोशल पोजीशनिंग में कमज़ोर होते हैं, वीक होते हैं, और ऐसे में अब ये एक डिस्टिंक्ट एंटिटी बन गए हैं एक डिस्टिंक्ट रिलीजन के नाम पर। तो फिर यहाँ पर रिलीजन वर्सेज रिलीजन होते हैं, रिलीजन वर्सेज रिलीजन, रिलीजन R1 कर दो या R2 कर दो या R3 कर दो, ये रिलीजन एक दूसरे के एंटी होने लग जाते हैं, क्योंकि एक्चुअली में जो उनके फॉलोअर हैं वो इस रूप में एक दूसरे को देखना शुरू कर देते हैं कि अगर हमारी ग्रोथ होनी है तो हमें वो रिसोर्सेज लेने पड़ेंगे इनसे, हमें वो पोजीशंस लेनी पड़ेंगी जो अब तक इनकी ग्रोथ का कारण बनी थी। और ये रिलीजन के लोग इन्हें ऐसा देख रहे होते हैं कि इनको किसी तरह के बेनिफिट्स मिलना, इनके किसी तरह से डेवलपमेंट होना, सोसाइटी में एक मेन पोजीशन पे आना हमारी पोजीशन को खतरा है, हमारी जो हेगेमनी है उसको चैलेंज हो जाएगा। ये एक बड़ा रीज़न बनता है कन्फ्रंटेशन का और कम्युनलिज्म को जन्म देता है। तो कम्युनलिज्म एक बहुत बड़ा चैलेंज है सेकुलरिज्म को, लेकिन कहीं ना कहीं भारत जैसे मुल्क में वो इतना स्टॉन्च मैनर में कम्युनलिज्म जो बिहेव करता है उसके पीछे कहीं ना कहीं कास्टिज्म की एक जो लंबी हिस्ट्री रही है इंडिया की वो रोल प्ले करती है, तो इस मैनर में वो रोल प्ले करती है। फिर इसके अलावा भी अगर हम हमारे सेकुलर कॉन्सेप्ट की बात करें इंडिया में, तो अगर कास्ट रिलीजन के वाया इम्फैक्ट रिलीजन में रिफ्लेक्ट होके सेकुलरिज्म को इम्पैक्ट ना करे तो कास्टिज्म डायरेक्टली भी इम्पैक्ट करता है, क्योंकि सेकुलरिज्म एक बात ये भी कहता है, हमें उसे सिर्फ इस मैनर में नहीं देखना है कि रिलीजन का स्टेट में कोई दखल नहीं और स्टेट का रिलीजन में कोई दखल नहीं, इनमें सेपरेशन है, ये तो एक बात है। सर्वधर्म संभाव का कॉन्सेप्ट जो है उसमें ये भी देखना है कि कोई कम्युनिटी एक किसी दूसरी कम्युनिटी को डोमिनेट ना कर दे, जैसे मान लीजिए कम्युनिटी 2 को डोमिनेट ना कर दे, और ऐसे में भी कोई एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को डोमिनेट कर सकती है अगर वो कम्युनिटी खुद को कास्ट हायरार्की में हायर मान रही है, और कास्ट हायरार्की में हायर वो इसीलिए ही मान रही है क्योंकि ये दोनों जिस किसी रिलीजन के घेरे में आते हैं, किसी एक कॉमन रिलीजन में ये आते हैं, उस रिलीजन में मान लीजिए इस कास्ट ग्रुप 1 को प्रोमिनेंट पोजीशन मिली हुई है, सुपीरियर पोजीशन पे है ये, हायर पोजीशन पे है ये, जिसकी वजह से प्योरिटी का कॉन्सेप्ट इससे जुड़ा हुआ है, तो इम्पॉर्टेंट डोमिनेंट पोजीशन सोसाइटी में, इकोनॉमी में, पॉलिटी में, अपॉर्चुनिटी में इन्हीं की रहेगी। और ऐसे में जो ये कम्युनिटी 2 है, इम्प्योरिटीज़ इनसे जुड़ी हुई हैं, तो सोसाइटी में रिसोर्सेज का सपोर्ट बेस इनका बनेगा नहीं, इनकम डेवलपमेंट नहीं होगी, एजुकेशन डेवलपमेंट नहीं होगी, पिछड़े रहेंगे, तो इम्पॉर्टेंट नेशनल डेवलपमेंट जब होगा उसमें योगदान नहीं आएगा, और नेशनल डेवलपमेंट के जो नए इंस्टीट्यूशंस खड़े होंगे, लोकतांत्रिक ढांचे, सरकारें, नए दफ्तर, नए महकमे, नए तरह के उद्योग केंद्र, नए तरह के रिसर्च सेंटर, ये कहीं भी रिफ्लेक्ट होंगे नहीं। तो ऐसे में भी देखा जाएगा तो एक कास्ट ग्रुप का दूसरे कास्ट ग्रुप पे इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल डोमिनेंस हुआ, और उसके कोर में जाके कारण ढूंढेंगे तो कारण कहीं ना कहीं यही है कि इन ये लोग जो इस एक कॉमन रिलीजन में है, उस कॉमन रिलीजन में इनकी पोजीशन सुपीरियर है इनके मुकाबले, तो ऐसे भी डोमिनेंस हो रहा है। और इंडियन सेकुलरिज्म सर्वधर्म संभाव को ध्यान में रखते हुए इस डोमिनेंस को भी नहीं बने रहने दे सकता है, क्योंकि इंटर कम्युनिटी डोमिनेंस की बजाय इंटर के साथ साथ इंटर कम्युनिटी डोमिनेंस को भी वो चैलेंज करता है, तो ऐसे में वो कोशिश करेगा कि जहाँ से सोर्सेज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन पैदा हो रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल इंटरवीन इनटू दैट, उसमें इंटरवीन करेगा और उन सोर्सेज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को कर्ब करेगा। जैसे उदाहरण से दलितों की टेंपल एंट्री कॉन्स्टिट्यूशन ने इंश्योर किया आर्टिकल 15 के वाया कि किसी तरह से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी किन्हीं भी उन जगहों पे जो जनरल पर्पस के लिए, जनरल पब्लिक के लिए बनी है, फिर वो घाट हों, कुएं हों, दुकानें हों, पब्लिक एंटरटेनमेंट के प्लेसेस हों, यहाँ किसी भी तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी।
तो ये भी इंडियन स्टेट के सेकुलर कैरेक्टर को ही दर्शाता है। और अगर इंडियन स्टेट ये करने में चूकता है तो मतलब इंडियन सोसाइटी कास्टिज्म की ग्रिप में चली जाती है। अगर इंडियन स्टेट ये आर्टिकल्स लागू करने से चूक जाता है, या इंडियन स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स हैं ही नहीं और सोसाइटी को उसके हाल पे छोड़ दिया गया है और एक कास्ट दूसरी कास्ट को एक्सप्लॉइट कर रही है, तो भी तो हम ये कहेंगे ना कि इंडियन सोसाइटी सेक्युलरिज्म की ग्रिप में ना होकर के कास्टिज्म की ग्रिप में है। और वो कास्टिज्म की ग्रिप में एक कास्ट ग्रुप सफ़र कर रहा है, दूसरे कास्ट ग्रुप के हाथों एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। और कारण ढूंढा जाए तो मूल में जाके कारण रिलीजन ही मिलेगा। तो इस तरह से कास्टिज्म को भी डिनाई करना, कास्टिज्म के इम्पैक्ट डेप्रिवेशन में रिफ्लेक्ट हों, इनडिग्निटी में रिफ्लेक्ट हों, लैक ऑफ प्रोग्रेस इंश्योर हो इन लोगों के लिए, ऐसे अगर आ रहा है कास्टिज्म तो उसे ख़त्म करना है। ख़त्म करना माने उसके इन इम्पैक्ट्स को रिड्यूस करना है और धीरे धीरे कम्प्लीटली एलिमिनेट कर देना है। भारतीय राज्य को जाति से लेना देना नहीं है इतना। आपकी कास्ट क्या है, कोई बसरा है, बाजवा है, शर्मा है, राहुल क्या है, वो ठीक है, ओके। आपकी जाति आपका एक निजी मसला यहाँ पर है, जैसे कि आपका पंथ है, रिलीजन। लेकिन आपकी जाति आपके फेलो बीइंग को कैसे इम्पैक्ट कर रही है, या आप उसका कैसा उपयोग कर रहे हैं, भारतीय राज्य यहाँ इस चीज़ का ध्यान रखता है, इस पर वो फोकस करता है। और वो अगर किसी भी तरह से डेट्रीमेंटल बन रही है किसी दूसरे के लिए, इंडियन स्टेट वाया द कॉन्स्टिट्यूशन विल इंटरवीन इनटू दैट। तो अगर वो इंटरवीन नहीं करता है तो मतलब कास्टिज्म फिर सेकुलरिज्म को एक चैलेंज है, क्योंकि कंप्लीट सेकुलरिज्म अगर होगा तो कास्टिज्म के ये नेगेटिव्स सोसाइटी में होने नहीं चाहिए, और अगर ये हैं तो फिर मतलब सेकुलरिज्म कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो इसलिए इट इज़ अ चैलेंज टू द सेकुलरिज्म। और सॉल्यूशन उसमें यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन के वाया स्टेट जो है वो लोगों को ह्यूमन के लेवल पे डील करे, फ्रेंचाइज मेंबर के लेवल पे डील करे, सिंगल सिटीजन के बेसिस पे सिटीजन के लेवल पर डील करे, और एक राज्य के स्तर पर उसे जैसा समाज बनाना है जिसमें सभी को समान संभावनाएं मिलें, समान अधिकार मिले जो मिलने बनते हैं, जो कि मानव के रूप में समान होने चाहिए, सबको मिलने चाहिए। और एक लाइफ फॉर्म के रूप में आप एग्जिस्ट कर रहे हैं तो बीइंग अ लाइफ, बीइंग अ लिविंग बॉडी भी आप सबके वो राइट बनते हैं, जैसे कि एक जीवन के रूप में ये आपका नैसर्गिक अधिकार है, इट इज़ योर ऑर्गेनिक राइट कि आपको एक्सेस टू फ्री एक्सेस हो टू द वाटर बॉडीज। कोई कैसे रोक सकता है इसको? ये आपका इकोनॉमिक राइट भी है कि आपका अनड्यू टाइम वेस्ट ना हो लाइफ के असेंशियल्स को फेच करने में। और बीइंग अ वेलफेयर स्टेट, इंडिया इज़ अ वेलफेयर स्टेट, ये इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन स्टेट को डायरेक्शंस भी हैं कॉन्स्टिट्यूशन की कि आपको लोगों का वेलफेयर बनाए रखना है, उनका लाइफस्टाइल बेटर करना है। तो हर तरह से देखा जाए तो एक जीवन के रूप में, लिविंग बॉडी के रूप में, एक ह्यूमन के रूप में, एक सिटीजन के रूप में, जहाँ जहाँ जैसे समानता चाहिए राज्य प्रयास करेगा कि वो समानता आए। और उस समानता में अगर राज्य की नीतियों में कोई भी मान्यता, कोई भी मत, विश्वास, जो कहीं पर भी किसी रूप में जाति, लिंग यानी कि कास्ट, जेंडर, किसी भी चीज़ पर आधारित है, जन्म, क्षेत्र, और उनके मूल में कहीं धर्म है, तो मतलब राज्य अपनी धर्मनिरपेक्षता और सर्वधर्म संभाव की विचारधारा से चूक रहा है, जो कि राज्य नहीं कर सकता। इस बात का ख्याल राज्य को रखना है। तो आर्टिकल 15 है, इन शिक्षा में सबको समान अधिकार देता है, महिलाओं और बालकों के कल्याण के लिए आर्टिकल 15(3) विशेष प्रावधान, ये स्पेशल प्रोविजंस की बात करता है, OBCs, SCs और STs के लिए आर्टिकल 15(4) रिजर्वेशन की बात करता है, आर्टिकल 15(1) जो राज्य के जितनी भी संस्थाएं उनमें डिस्क्रिमिनेशन रोकने की बात करता है, आर्टिकल 15(2) राज्य और नागरिकों की, नागरिकों के ऊपर अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन है किसी भी तरह की उसे रोकने की बात करता है, आर्टिकल 14 एक प्लेनरी इक्वलिटी की बात करता है, आर्टिकल 16 रोज़गार में इक्वलिटी की बात करता है, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को रोकता है, और आर्टिकल 18 किसी भी तरह के टाइटल्स को एबोलिश करता है ताकि स्टेटस सबका बराबर है, समानता है, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, और वो भी डिग्निफाइड लाइफ,
प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ की बात करता है, जिसके तहत बहुत सारे अधिकार आते हैं। तो आर्टिकल 25, 26, 27, 28 आपके धर्म के अधिकारों को सुनिश्चित करते हैं, नो मैटर आपकी जाति क्या है, नो मैटर आपका जेंडर क्या है, ये मैटर नहीं करता, वो सुनिश्चित करता। तो फिर ये सारे आर्टिकल्स एक सोल्यूशन है जो इस प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं, जो कि कास्टिज्म जैसी एक प्रॉब्लम है जो चैलेंज कर रही है हमारे सेकुलर एग्जिस्टेंस को। तो अगर हमारे देश में सरकारें चूक रही हैं, अभी भी कोई अगर दलित है उसे घोड़ी चढ़ने से या घोड़े पर चढ़ने से शादी विवाह में कोई भी ऊंची जाति का व्यक्ति रोक रहा है या कोई समुदाय रोक रहा है, अभी भी अगर उनकी किसी रूप में कोई ऐसे जनरल पब्लिक प्लेसेस हैं जहां एंट्री रोकी जा रही है, किसी भी तरह के ऐसे कार्य हो रहे हैं और राज्य सक्षम नहीं है उन्हें रोक पाने में, तो सेकुलरिज्म चूक रहा है। ना रोक पाने में दो तरीके हैं, एक तो राज्य उसे देख रहा है पर कानून ना बना पा रहा, कानून नहीं बना पा रहा क्योंकि हाथ बंधे हुए हैं उसके किसी कारण से। तो ऐसे कोई लीगल अगर ऑब्स्ट्रक्शंस हैं उसे ओवरकम करना ज़रूरी है। और दूसरा, कानून सारे बनाए हुए हैं, आर्टिकल सारे हैं, सब कुछ है, प्रिंसिपली सब कुछ है, पर प्रैक्टिकली वो सब चल भी रहा है, तो ऐसे में भी राज्य चूक रहा है। मतलब राज्य उतना प्रायोरिटी भी नहीं ले रहा है इन चीज़ों को, उतना सिक्योरिटी नहीं दे पा रहा, उतना विजिलेंट भी नहीं है। तो ऐसे भी स्टेट्स फेल हो जाते हैं, कोलैप्स कर जाते हैं, कि अगर स्टेट्स के कमिटमेंट जो हैं, जो विश्व भर में जितने भी स्टेट्स हैं, चाहे वो अमेरिकन स्टेट है, इंडियन स्टेट है, चाहे वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान है, बीट एनी स्टेट, तो विश्व भर में जितने भी स्टेट्स हैं अगर उनके कमिटमेंट्स बहुत हैं, रिटन कमिटमेंट हैं कॉन्स्टिट्यूशन में किसी मैनर में, बट अगर वो उन्हें इंश्योर करने में चूक रहे हैं तो स्टेट कोलैप्स हो जाते हैं। ओके, इवन कम कमिटमेंट वाले स्टेट देर से कलेप्स होते हैं क्योंकि वहाँ पे तो लोग देख रहे हैं कि कोई कमिटमेंट ही नहीं है, वहाँ पर ब्रूट पावर ही रूल करती है। अभी 2021 के बाद से ही तालिबान कंट्रोल कर रहा है अफगानिस्तान को, बट जिन स्टेट्स में रिटन कमिटमेंट्स हों खासतौर कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्म में और स्टेट उसे इंश्योर कर पाने में नाकामयाब हो रहा हो, तो वहाँ तो आवाज़ उठाने के भी अधिकार हैं फिर, तो वहाँ पर स्टेट्स जल्दी कोलैप्स होते हैं क्योंकि वो अपने ही द्वारा दिए गए वचन पूरे नहीं कर पा रहे। ओके, तो हमें ये करना है, हमें इसे ख़त्म करना है। ऑब्स्क्योरेंटिज्म, देखिए ऑब्स्क्योरेंटिज्म एक बहुत बड़ी समस्या है। आपका गैर प्रगतिवादी होना, प्रगतिवाद पर ध्यान ना देना, प्रोग्रेसिव ना होना, पीछे की ओर देखना, उसी लाइफस्टाइल में जीना, उसी रूढ़िवादिता में जीना, उसी ऑर्थोडॉक्सी को ही एक जीवन जीने का चलन मान लेना, कुछ भी बदलाव आने की बात हो तो आपको आप भयभीत हो जाएंगे कि विचारों को खतरा हो जाएगा, धर्म को खतरा हो जाएगा, रीति रिवाजों को खतरा हो जाएगा, हमारी कम्युनिटी को खतरा हो जाएगा, ये विचार आपको हमेशा पकड़े रहते हैं। इस वजह से कई थ्योरीज पैदा की जाती हैं, कई थॉट्स पैदा किए जाते हैं कि पढ़ने लिखने से तुम्हें ये मिलेगा, फिर पढ़ोगे लिखोगे तो ऐसे हो जाओगे, परिवार की नहीं मानोगे तो ऐसे हो जाओगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी कि मरने के बाद वहाँ पहुँचोगे फिर तुम्हारे शरीर के साथ ऐसा हो जाएगा, ये कीड़े पड़ेंगे या वो हो जाएगा, तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो एक विचार है कि रैशनल साइंसेस को, टेक्नोलॉजी को अपनाना नहीं, नई एजुकेशन पर फोकस नहीं करना, समय बदलने के साथ आज आवश्यकता है कि जो हमसे पास्ट में गलतियां हुई हैं हम उन्हें सुधारें और समाज अपनी पूर्ण पराकाष्ठा तक जाए, इसके लिए महिलाओं को समान अधिकार देने की ज़रूरत है, मानव के रूप में उनके समान अधिकार हों, एक लाइफ फॉर्म के रूप में उनके समान अधिकार होने चाहिए, एक नागरिक के रूप में उनके समान अधिकार होने चाहिए जिसमें इन सब की शिक्षा के अधिकार सामान्य हों, संपत्ति निर्माण के अधिकार इनके सामान्य होने चाहिए, मैन एंड वुमेन बोथ आर एंटाइटल्ड टू क्रिएट वेल्थ, इसलिए उनको इनहेरिटेंस भी बराबर में मिलना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ, दोनों का एक्सेस होना चाहिए, एजुकेशन के राइट्स दोनों के पास होने चाहिए, फ्री स्पीच, फ्री विल के अधिकार दोनों के पास होने चाहिए, तभी वो अपने सर्वोत्तम आयामों को, जो अपने कॉम्प्रिहेंसिव डायमेंशंस हैं, उन्हें अचीव कर पाएंगे और तभी वो एक दूसरे की लाइफ में भी हेल्दी मैनर में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, नेशन ऐसे ही स्ट्रांग होते हैं। बट अल्टीमेटली ऑब्स्क्योरेंटिज्म इसे अचीव करने से रोकता है। आज सुबह ही मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था अफगानिस्तान तालिबानियों का, उनके नए एजुकेशन जो मिनिस्टर हैं उनका, मैंने आपके साथ भी शेयर किया, और उन्होंने साफ साफ बताया कि भाई कि किस तरह की महिला की परिस्थिति को देखा गया है हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में,
और वो ये बता रहे हैं कि मेल फीमेल कभी इक्वल नहीं हो सकते। और मैं आपको बता दूं कि स्क्रिप्चर भी यही कहते हैं, हमने इस पर लेक्चर दिए हैं डिटेल में, उन्होंने मेल फीमेल को इक्वल नहीं बताया है। लेकिन उसको फिर आगे जिस तरह से ये व्यक्ति एक्सटेंड कर रहा है कि मेल को अथॉरिटेटिव बताया है, मेल ही रूलर है और फीमेल को उसके ओबीडियंट बनना है, उसकी अथॉरिटी को फॉलो करना है, उसे मानना है, वही बात है, फिर इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से कर ली जाती है। जबकि जब हम मेल और फीमेल पावर की बात करते हैं तो वो दोनों अलग हैं, पर शब्द ये है कि दोनों पावर हैं, दोनों के अपने ट्रेट्स हैं, दोनों के अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। तो जब कॉन्ट्रीब्यूशन दोनों के अपने होते हैं तो ऊपर नीचे कोई कैसे हो सकता है? जब हम एक मशीन हैं और मशीन में सभी पुर्जे हैं तो सभी पुर्जों का अपना महत्व है। जैसे मैं आपसे एक बात करता हूँ, इंटरनल कम्बशन इंजन है, अब उस इंटरनल हमारी गाड़ियों में जो इंजन होता है सिंपल, आपकी मोटरसाइकिल वगैरह में, सारे कारों में, अब हमारा जो इंजन है जितना उसमें इम्पोर्टेंस फ्यूल की है उतनी इम्पोर्टेंस उसमें एयर यानी कि ऑक्सीजन की भी है। अब फ्यूल डाल लीजिए, चला लीजिए, फिर एयर फिल्टर जाम पड़ा है, चला के दिखाना, फिर नहीं चलेगी, मैकेनिक क्या करेगा? एयर फिल्टर साफ करेगा, कहेगा हवा तो जा नहीं रही अंदर, या धक्के मारेगा, चलेगा नहीं, या फिर उड़ेगा तेल आपका, फुर ख़त्म, फ्यूल एफिशिएंसी मर जाएगी। क्योंकि मुद्दा कम्बशन से है, जब तक वो होगा नहीं, पिस्टन को थ्रस्ट लगेंगे नहीं, तब तक गरारियाँ घूमेंगी नहीं, कुछ नहीं होना है। उसके लिए हमें एक मिक्स ऑफ एयर चाहिए अंदर, उसी की प्रेजेंस में ही कार्बन बेस्ड फ्यूल जलेंगे, वरना नहीं जलेंगे, पेट्रोल डीजल तभी जलेंगे। तो इस मशीनरी में फिर कोई ज़्यादा कमज़ोर कैसे हुआ, मतलब ये कैसे कह सकते हो आप कि मतलब क्योंकि ऑक्सीजन फ्री में मिल रही है, पर्यावरण में मिल रही है, इसलिए ग्रांटेड ले लिया उसे कि भाई कोई चक्कर ही नहीं है, ये तो फ्री में मिल रही है। और क्योंकि तेल निकालना पड़ रहा है, माइनिंग के वाया तो पैसा खर्चा होता है, तो तेल बड़ा कीमती है, इज़ दैट वे? नहीं मेरे बच्चों, मुद्दे की कहानी है कि ठीक है तेल मिल रहा है, तेल लगा रहे हो आप, ऑक्सीजन जो उसमें जाएगी उसका खर्चा गाड़ी लेते समय भर चुके हो आप, क्योंकि इतने लाख जो आपने खर्चे हैं उस गाड़ी पर, वो मैकेनिज्म ऑक्सीजन बेस्ड है, इसलिए उस पर उतना खर्चा भी तो आया है, आपने कीमत उसकी दी है, अदा की है। मुद्दे की कहानी ये है कि कौन सी चीज़ हमें फ्रीली एक्सेस हो रही है और कौन सी पैसे देकर, इस पर इम्पोर्टेंस ना डालकर अगर इस पर देखें कि जो फंक्शन हम ले रहे हैं इस इंजन से वो फंक्शन किन दो एलिमेंट्स पर डिपेंडेंट है, तो पता लग जाएगा कि बोथ थिंग्स आर इंडिस्पेंसिबल, तो फिर पता लग जाएगा कि कोई ऊपर या कोई नीचे नहीं है, ऐसे काम नहीं चलता। तो ऐसे में जब हम रिलीजियस स्क्रिप्चर्स की इंटरप्रिटेशन करते हैं, मैं मानता हूँ बहुत डीप इंसाइट्स चाहिए, और किसी एक इंडिविजुअल के द्वारा नहीं होनी चाहिए, एक बहुत बड़ा कॉलेज बनना चाहिए, एक कॉलेज बैठे उसकी डिस्कशन करे, ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स और दे मस्ट फ्रॉम द डाइवर्स बैकग्राउंड्स, और उसे हमें डिस्कशन के बाद मौजूदा राज्यों के जो सिद्धांत हैं उस पर खड़े उतार के देखना चाहिए। तो ये कहानी है, तो वो ऑब्सक्योरेंटिज्म ही है जो महिलाओं के लिए ऐसे विचार रख रहा है कि उन्हें स्कूल जाने की कॉलेज जाने के अधिकार नहीं है, उनके लिए जो कामकाज तय किए हैं वो वैसे ही कामकाज करेंगे, और वो कह रहे हैं कि हम शरिया के मुताबिक चलाना चाहते हैं राज्य को, पर दुनिया भर में तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, फिर उनमें इतने सारे अधिकार हैं महिलाओं को कि फिर वो शरिया के मुताबिक नहीं चल रहे हैं। वो भी तर्क दे रहे हैं कि शरिया ही हमें लिबरल होने की आज़ादी देता है, क्योंकि फिर आप राज्य पहले ऐसा बनाएंगे, फिर उसी राज्य में कोई परिवार में अगर लोग अपनी वुमेन के साथ लिबरल हैं, बराबर अधिकार दे रहे हैं, फिर आप उनके घर पर क्रैकडाउन करेंगे कि आप भी वो कर्ब लगाइए जो कर्ब स्टेट ने लगा रखे हैं, तो ये तो निजी व्यक्ति के अधिकारों का हनन जैसा हो जाएगा। हु आर यू टू डिसाइड एवरीथिंग, ऑब्सक्योरेंटिज्म ही है। अपने लिए एरोप्लेन भी यूज़ करेंगे आप, अपने लिए मॉडर्न एयर कंडीशनिंग यूज़ करेंगे आप, अपने लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी सारी यूज़ करेंगे, वहाँ अच्छी लग रही है, और जब ज़रूरत पड़ेगी ये मॉडर्न ट्रीटमेंट लेने भी पहुँच जाएंगे। आप अक्सर देखना यही लोग दुनिया भर के सामने आप देखेंगे, मैं अब यही लोग मतलब ऑब्सक्योरेंट लोग ये तो यही लोग देखेंगे आप दुनिया भर के सामने ये भी दुहाई लगा रहे होंगे कि हमें मॉडर्न वेपन और वैगन दे दो। वो क्यों मांग रहे हो फिर, मुक्के उक्के से लड़ो, जब उधर से आएगी S-400 तो मुक्का कर देना आगे, है ना, तो तब जो है सब मॉडर्न चलेगा, और पता लगे कि वही जो मिसाइल चाहिए किसी मुल्क से, वो पता लगे कि वहाँ जो फीमेल साइंटिस्ट है उसने बनाई है, फिर मत यूज़ करना उसे, ठीक है, मत कंज्यूम करना। तो ये आइडियोलॉजी, इसका बेस कोई क्लियर नहीं हो पाता है।
वही बंदूक तो आइडियोलॉजी का बेस क्लियर ही नहीं है, इसलिए तो बंदूक के जोर पर लागू करानी पड़ती है। जिसका बेस क्लियर है उसके लिए जोर की ज़रूरत क्या है, फिर वो तो स्वतः ही स्वीकार होती है। फिर आप ये भी कह सकते हैं कि बंदूक का जोर इसलिए लागू करना पड़ता है क्योंकि हमारे मुल्क में दुनिया की बड़ी बड़ी कंट्री प्रोपागेंडाज कर रही हैं, इसलिए हमें बंदूक का जोर लगाना पड़ता है क्योंकि लोग बरगलाए गए हैं, इसलिए हमें शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ता है उन लोगों को खदेड़ने के लिए। अच्छा, पर सबसे बड़ी बात यह है कि आप उस मुल्क के हो, आप हज़ारों वर्षों से वहाँ हो, आप नहीं बरगला पाए, वो हज़ारों किलोमीटर दूर बैठ करके कुछ वर्ष आपके वहाँ रहते हैं और बरगला लेते हैं, फिर भी पता करो कि तुम्हारी विचारधारा में कोई कमजोरी चल रही है कि नहीं। मतलब सोचने वाली बात है ना कि एक आदमी इतने डिस्टेंस पे कोई है और वो कल्चर उसका डिफरेंट है, सोच उसकी डिफरेंट है, वो 200-500 लोगों को भेज करके, कुछ एजेंट को स्पाई भेज के बरगला लेंगे। आप वहीं रह रहे हो, आपके पास अथॉरिटी है, आप कानून बनाते हो और आप हज़ारों वर्षों से हो, आप नहीं बरगला पा रहे। इट मीन्स वो बरगलाने में सफल हो रहे हैं, इसमें उनकी ताकत नहीं है। आप डिप्राइव इतना रख रहे हो लोगों को कि लोग बरगलाए जाते हैं। आप संतुष्ट बनाओ लोगों को, संतोष पैदा करो लोगों में, कैसे बरगलाए जाएंगे? ये पॉसिबल? आप घर में एक बच्चे को भूखा ही रख रहे हो, फिर आरोप लगा रहे हो कि पड़ोसी के हाथों पानी पीता है, पड़ोसी से पानी पिला जाता है, तुम उसकी प्यास बुझाओ, कैसे पड़ोसी से पानी पीलेगा? ये मतलब दुनिया भर में एक अजीब घटियानुसी विचार बना हुआ है कि टू काउंटर द स्पाइस, टू काउंटर द एजेंसीज, वी हैव टू मोबिलाइज द वेपन एंड वी नीड टू फ्लॉन्ट देम ओपनली बिकॉज दे आर बीइंग अल्टीमेटली ब्रेन वॉश्ड और समथिंग एल्स बाय दोज एजेंसीज। बट कौन अलाउ कर रहा है उन्हें ब्रेन वॉश करने के लिए? कौन अपने समाज को कमज़ोर कर रहा है? ये भी तो एक बड़ा सवाल है। समाज अंदर से सशक्त होगा, मजबूत होगा, तो ऐसे कैसे ब्रेन वॉश हो जाएगा? तुम्हारा नहीं हो गया इतने सालों से, तुम्हारा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तुम पावर पोजीशन पे हो। तुम जो विचारधारा प्रमोट कर रहे हो, उस विचारधारा की जब स्थापना हो जाएगी, एंड रिजल्ट ये होगा कि पावर पोजीशन में तुम आओगे, तो तुम्हें तो वो ल्यूक्रेटिव लग रहा है, तुम्हें तो वो चीज़ ड्राइव कर रही है, मोबिलाइज कर रही है कि ये मुझे करना है। बट जो सब सब्जेक्टेड हो जाएंगे उसके, जो सब कमज़ोर हो जाएंगे, वो उससे बच रहे हैं, वो टाल रहे हैं उसे कि नहीं आना चाहिए ये चीज़, तो इसलिए तुम्हें लगता है कि ये सब बरगलाए जा रहे हैं, क्योंकि वो अपोज कर रहे हैं कि जो तुम ला रहे हो वो आने नहीं देंगे, तो तुम्हें अपने ओपोनेंट बरगलाए से लगते हैं। लेकिन तुम नहीं बरगलाए जा रहे किसी के द्वारा कि तुम क्यों नहीं टल रहे। तुम इसलिए नहीं टल रहे, तुम ये कहोगे कि हम इसलिए नहीं टल रहे क्योंकि हम अपने पंथ के साथ, अपने धर्म के साथ सख्ती से जुड़े ना। तुम्हें अगर ये पता लगे कि जो तुम विचारधारा लाने जा रहे हो, उस विचारधारा के आ जाने के बाद तुम्हारा सबसे ज़्यादा हनन होगा, तुम ही सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट होगे, तो देखना अभी तुम ही बरगलाए जाओगे। फिर सबसे पहले तुम ही टल जाओगे, तुम कहोगे नहीं लेके आनी ये विचारधारा, तुम्हें तो माल पुए दिख रहे हैं ना कि अगर ये आ जाए तो उसके बाद हमारी मौजा ही मौजा। इसलिए तुम उल्टा लोगों को बरगला किस बात को? हमेशा पूरी धरती पे जो भी लोग कभी धर्म का झंडा लेकर के कोई भी ऐसी चीज़ लाना चाहें जो दूसरों को अपने अधीन लाए, ये इतने शक्तिशाली उस चीज़ को लाने के लिए इसलिए उमड़ रहे होते हैं। इसका कारण ये नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा उससे जुड़े हैं धर्म से, ये बहुत उसकी, ये इसलिए क्योंकि इन्हें लग रहा है कि जब ये हो जाएगा तो फिर झंडा इन्हीं का लहराने वाला है, मतलब विचार इन्हीं के चलने वाले हैं, इनकी सत्ता हो जाने वाली है, इसलिए उस चक्कर में लगे रहते हैं। आई बात समझ में? ये उनकी मोटिवेशनल फोर्स होती है ऑलवेज। और अगर लोग बरगलाए जा रहे हैं तो एक पॉइंट टेंडेंसी ये भी नहीं कि तुम बरगलाए तो तुम भी जाए जाने चाहिए थे, तुम क्यों नहीं बरगलाए गए? क्योंकि तुम्हें कोई प्रलोभन तगड़ा दिख रहा है और उन्हें बेचारों को दिख रहा है कि उनकी सब्जेक्शन होने वाली है, तो वो तुम्हें लग रहा है कि बरगलाए गए हैं। हो सकता है बरगलाए भी गए हों, तो पता करो क्यों बरगलाए गए। तो टू एलिमिनेट देम इज नॉट द सोल्यूशन, टू अंडरस्टैंड द लैक्यूनस और द फैलेसीज इन योर सिस्टम इज द अल्टीमेट थिंग दैट वी नीड टू नो। सो ऑब्सक्यूरेंटिज्म, साइंस की तरफ, विज्ञान की तरफ जाने नहीं देना। देखो एक बात याद रखना, विज्ञान की तरफ जाने का कभी मतलब ये नहीं है कि आप अपने पंथ से दूर हो जाएं, अपने दीन से दूर हो जाएं, अपने मजहब, अपने धर्म से दूर हो जाएं, अपनी संस्कृति से दूर हो जाएं। किसने बोला ये? किसने कहा कि साइंस क्या है? मतलब साइंस भी क्या है? साइंस कहीं दीन के बाहर से आती है? साइंस पंथ से बाहर है क्या? साइंस, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, साइंस मजहब से बाहर कब थी? धर्म से बाहर कब है साइंस? साइंस असल में क्या है? साइंस किस बात की बात करती है? कि जो भी रूप, जो भी चीज़ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष है पर प्रमाणित है, उसका एक ट्रेल है, उसके कॉज इफेक्ट क्लियर हैं, उसके जो मटेरियल सब्सटेंसेस एलिमेंट आइडेंटिफाइड हैं, और जिस प्रोपोर्शन में, जिस टेम्परेचर, जिस प्रेशर सिस्टम में, जिस सर्कमस्टांसेस में, उसको जिस मैनर में यूटिलाइज करेंगे, जो आउटकम रिजल्ट आएगा ऑलवेज वही आएगा जो आना बनता है उस परिस्थिति में, यह विज्ञान है। तो पर ये क्या है? ये भी तो नैतिकता है का एक आधार, धर्म ही है।
धर्म क्या कहता है? धर्म जब क्या कहता है कि कर भला तो हो भला, सही है कि नहीं? तो ये भी साइंस ही है। धर्म क्या कहता है कि मानस के साथ जब सभी एक पहचाने हो, ये धर्म नहीं है, ये क्या साइंस नहीं है कि मानव के रूप में हम सब एक ही तो हैं, हम में अंतर क्या है? विश्व के किसी भी खंड में रह रहे हो, क्या प्यास नहीं लगती आपको? क्या भूख नहीं है आपकी? क्या आप विकास नहीं चाहते? क्या अपने जीवन को बेहतर नहीं चाहते? इस विश्व का कौन सा व्यक्ति है, यदि थोड़ी देर के लिए मैं इस पृथ्वी से ताकत को एलिमिनेट कर दूं, तो इस विश्व का कौन सा प्राणी होगा जो शांति से रहने के भाव ना चाहता हो? हम शांति से रहने के लिए ताकत कंट्रोल करना चाहते हैं, पता है आपको? हम पीसफुली रहने के लिए पावर को कंट्रोल करना चाहते हैं। डू यू नो व्हाई? क्योंकि हम पीसफुल रहना चाहते हैं पावर को कंट्रोल करके, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम पीसफुल रहें अपने सिद्धांतों के बावजूद भी। और हो सकता है वो सिद्धांत हमारे खुद के बुने हुए विचार हों, सर्वमान्य विचार ना हो, इसलिए बहुत से लोग उसका विरोध भी करना चाहेंगे, वो हमारी पीस को डिस्टर्ब करती है चीज़। इसलिए हम चाहते हैं कि हम पीसफुल रहें, इसलिए टू कंट्रोल, फॉर दैट वी हैव टू कंट्रोल पावर, कि अपने थॉट्स को परस्यू करते हुए भी कोई चूँ चाहे ना करे उसको टिका सकें। इसलिए सत्ता चाहिए, शक्ति चाहिए। तो अगर विश्व से थोड़ी देर के लिए इस मैनर में पावर एलिमिनेट कर दूं, तो सभी प्राणियों की एक ही इच्छा है कि शांति से रहना। भाई कौन नहीं रहना चाहता, मुझे बताओ ना आप, आपको कौन चाहता है सुबह उठ के हुड़दंगा करना है, हल्ला करना है? सब चाहते हैं शांति। शांति से रहने का मतलब ऐसे नहीं, शांति से रहने का मतलब शादी में नाचना भी शांति तो है, कि फ्री माइंड होकर नाचना चाहते हैं, कोई रोकने ना आए। तुमको दिक्कत है जब 10:30 बजे के बाद एक ऑफिसर आएगा और कहेगा डीजे बंद करो, तब तुम सत्ता को कंट्रोल करना चाहोगे, पावर को कंट्रोल करना चाहोगे कि मेरी पीस डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि मुझे रात 2 बजे तक नाचना है, माहौल तो अभी बना है, सुरूर तो अभी बना है, और मुझे 2 बजे तक नाचना है। मेरा दिमाग ख़राब कर रहा है, मेरा दिमाग ये ख़राब कर रहा है, पावर कंट्रोल करो। MLA फ़ोन लगाओ, MPO फ़ोन लगाओ, DC को फ़ोन लगाओ, इसकी पेट्रोलिंग व्हीकल अभी वापस जानी चाहिए। पावर इसलिए चाहिए। लेकिन अगर पहले से ही आत्म में स्वीकृति है कि 10:30 बजे तक ही नाच सकना है, 10:30 बजे तक ही डीजे नाचो सारी रात, पर डीजे 10:30 तक, सो 10:30 बजे वो आया, कहता सर डीजे बंद कर दो। ओए क्या बात है यार, चलो बंद कर दो, ओके। पीस इसलिए क्योंकि सर्वमान्य विचार है तुम्हारे, सिर्फ अपने बुने हुए विचार नहीं है, सर्वमान्य विचार की मेरा आनंद है तो उनका भी तो आनंद है, जो सो रहे हैं घरों में उनका आनंद क्यों तोड़ना भाई? लेकिन वो तंग कर रहा है वो पुलिस वाला, मैं तो कहते ना मेरा दिमाग ज़्यादा ना खराब कर,